हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जेएमडी एकेडमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएमडी एकेडमी। गाइस, तो आज मेरे साथ बैठे हैं मेरी एकेडमी के स्टूडेंट। इनका नाम है मोहम्मद जैश। और मोहम्मद जैश, प्लीज बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं आप? सर, मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से नहीं, मतलब इलाहाबाद से कुछ दूर पे 20 किलोमीटर मेरा गांव है, वहाँ से सिकंदरा। अच्छा, सिकंदरा गांव से हो। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा की शू शॉप है सर। शू शॉप है? बहुत बड़ी शू शॉप है कि छोटी सी शू शॉप है? तुम्हारे पापा की शू शॉप है, तो तुम सोच सकते थे फैमिली बिजनेस करने का। तो ये मर्चेंट नेवी का आइडिया कहाँ से आया दिमाग में? मर्चेंट नेवी का आइडिया सर, मेरे गांव में कई लोग हैं, मतलब कोई एबी है, बोसन है, बहुत लोग कुक में काम कर रहे हैं। सर, जब मैं क्लास 10th में था तो एक पापा के दोस्त हैं जो चीफ कुक हैं मर्चेंट नेवी में, तो उन्होंने बताया इस प्रोफेशन के बारे में और बताया कि जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो अगर अच्छा करता हूँ तो पहला ऑफिसर बन सकता हूँ गाँव से। तो इससे बहुत मोटिवेट हुआ सर, तो ये बोला कि मैंने सोचा सर ये सबसे अलग है और पहला ऑफिसर बन के कुछ कर सकता हूँ गाँव। अच्छा, तुम्हारे गाँव से चीफ कुक, एबी, ओएस बहुत सारे हैं? बहुत सारे सर। बहुत सारे मतलब बहुत सारे? और ऑफिसर एक भी नहीं है? नो सर। पक्का? तो अगर तुम ऑफिसर बनते हो, यू विल बी द फर्स्ट मर्चेंट नेवी ऑफिसर। यस सर। चलो भाई, जय माता दी। जो तुमने जेएमडी एकेडमी में भरोसा दिखाया है, तुम्हारे पिताजी ने दिखाया है, और तुम अपने गांव से पहले मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनो और उनका नाम रोशन करो। तो भाई, मेरा ये क्वेश्चन ये आता है यार कि स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। स्कूलिंग कहाँ से है तुम्हारी? सर, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, हिंदी मीडियम से। मैंने बचपन से लेके मतलब सारी 12th तक पूरा हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है। अच्छा, पूरा हिंदी मीडियम से करी है? मेहनत तो करना है, जब 12th जब कर लिया उसके बाद सोचा कि अब यहाँ इंटरव्यू तो सारे इंग्लिश में होता है, तो कंफ्यूज था कि स्टार्ट कहाँ से करना है। मेहनत तो करना चाहता था लेकिन कंटेंट नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने सोचा कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर पापा से बात की तो पापा ने बोला कि कहीं यूपी में देख लो, आसपास मिल जाए तो अच्छी बात है, पास में ही रहोगे। फिर मिला नहीं कहीं पे, यूट्यूब पे सर्च किया, कोरा पे सर्च किया, फिर देहरादून में कई इंस्टीट्यूट मिले, लेकिन मैं यहाँ जेएमडीआई के बारे में पता किया, यहाँ के स्टूडेंट से बात की, टीचर से बात की, तब यहीं पे आ गया मैं। फिर कितनी फीस थी तुम्हारी स्कूल की? स्कूल की सर फीस ज़्यादा नहीं थी, 300-400 थी पर मंथ। सी, दो तरह की पिक्चर होती है बच्चों, एक कहानी पिक्चर 2 करोड़ की लागत में बनी और 100 करोड़ कमा के दिए, और एक पिक्चर होती है धूम 3, 175 करोड़ लगाए, 200 करोड़ कमा के दिए। सी, आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे पिता ने मुझे सेंट जोसेफ अकेडमी स्कूल में पढ़ाया, अंग्रेजी मीडियम का स्कूल था, बच्चे अमीर परिवार के वहाँ पर पढ़ते थे, गेम सुख सुविधाओं किसी की कमी नहीं थी, मैं था धूम 3। उसके बाद अगर मैं मर्चेंट नेवी में गया, मैं चीफ इंजीनियर बना, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे बनते हैं। बट एक होती है कहानी पिक्चर, 350 रुपये की फीस से निकल के हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम मतलब कंप्लीट हिंदी मीडियम, वहां से पढ़ के सपना देखना, उसको पूरा करने की कोशिश करना, ये होती है कहानी पिक्चर। सपने देखिए, बहुत जरूरी है देखने। अगर इस बच्चे ने सपना नहीं देखा होता कि मैं अपने गांव का पहला मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनूंगा, तो शायद ये नहीं सोचता कि मुझे क्या स्टेप लेने हैं। तो यार, जब तुम हिंदी मीडियम से पढ़े तो क्या क्या दिक्कतें फेस करी तुमने? क्योंकि यार यहाँ तो पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू, सब चीज़ का है, तो हाउ डिड यू फोकस ऑन दिस पार्ट? सर, यहाँ पे मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, मेरे में मॉक इंटरव्यू लेते रहे वो लोग मेरा, और हर जगह मेरा हेल्प करते रहे, तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली सर। बाकी अकेडमी से टीचर्स हमेशा कभी भी कॉल कर दो रात को, अकेडमी में कभी कोई भी डाउट हो हमेशा क्लियर करते थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत कब फेस करी तुमने, जब से तुम हिंदी मीडियम से यहाँ पर आए, बैठे हो गए 40-50 बच्चे बैठे हैं, सारे इंग्लिश मीडियम के हैं, शायद तुम थे और एक और लड़का और था हिंदी मीडियम का, प्रशांत, बस दैट्स इट, और कोई नहीं? नो सर। तो फिर मोटिवेशन एक चीज़ होती है, बट कैसे, मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है स्टार्टिंग में, मैं कहाँ आ गया हूँ? पहले दिन आया सर तो सबको देख के बहुत डर लगा, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम से एकदम, अब मैं अकेला हिंदी मीडियम का था, तो उस टाइम थोड़ा लग रहा था बड़ा अजीब सा कि, फिर लेकिन अंदर से एक जुनून था सर कि कुछ करना है ज़िंदगी में, उस वजह से मोटिवेट था मैं कर सकता हूँ। हम जनरली हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रेफर नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। बट अगर आप इस तरह का जुनून लेकर आते हैं, किसी भी जिला से हो, गांव से हो, देहात से हो, अगर इस तरह का जुनून लेकर आते हैं, हम जेएमडीआई एकेडमी वाले आपके साथ खड़े हैं। अब मैं जुनून की बात करता हूँ, जुनून की बात यह कि गिव अप नहीं करना। हमारे पास हिंदी मीडियम के और ही बच्चे आए, स्टार्टिंग के अंदर 5 दिन गजब जुनून दिखाया,
आज ये बच्चा 7 महीने से है, मैं इसको सेम जुनून के साथ ही देखता हूँ। इसके पिताजी से बहुत बार बात होती है, वो स्पेशली कॉल करते हैं, उनका एक ही सपना है कि मेरा बेटा मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो गाइज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब एक तरफ, अगर आप हिंदी मीडियम वाले तो कहानी पिक्चरों इन्वेस्टमेंट कम है, जोर लगाओ, जान लगाओ, बहुत कामयाबी पाओगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ जयेश तुम्हारे साथ, चलो हिंदी मीडियम से हो यार, ये जेएमडी एकेडमी यार वी चार्ज फ्री में तो हम पढ़ाते नहीं है, तो ये जुनून कहाँ से आया कि यार एक इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पर जाना है, ये कैसे, पापा ने सपोर्ट क्यों किया और कैसे किया? पापा को मैंने बताया एकेडमी के बारे में और आपका जो लाइव आता था सर इंस्टाग्राम पे हाँ, उसके बारे में सब कुछ बताया। पापा को एक भरोसा दिलाया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एक बार भरोसा करके देखिए। पापा एग्री हो गए, पापा भी भरोसा करते थे मेरे पे, हाँ कर सकता हूँ मैं। बाकी आने से पहले भी सर जो गांव में बताया आपको, जैसे कि एबीआई भूषण है, उन्होंने बोला कि बहुत टफ है, नहीं होगा, एजेंट का चक्कर है, ये सब, तो बहुत ज़्यादा बिलीव दिलाना पापा को, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी मुझे बिलीव दिलाने की, हाँ हो जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ बोली इस बच्चे ने, बिलीफ सिस्टम। आप जब भी अपने आसपास लोगों से मिलेंगे, हमेशा आपको पहले ना सुनने को मिलेगी कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपका दिल बोलेगा, दिमाग बोलेगा, बट अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, बार बार कोशिश करते रहें, गिव अप नहीं करेंगे, तो आप जरूर पा जाएंगे। जो जयेश ने बोला, ये जयेश के गाँव में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, जहाँ पर वो गलत कॉलेज में चले गए, एजेंटों के चक्कर में पड़े, गलत जगह फीस पे कर दी, और फिर बाद में धक्के खाए, और आज वो एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना। मेरी माता रानी से गुजारिश है, ये बच्चा एक बहुत बढ़िया मर्चेंट नेवी ऑफिसर बने और इसके गांव के लिए एक रोल मॉडल सेट करे कि अगर ये कर सकता है तो कोई बच्चा भी कर सकता है। हाँ, हम लोग एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, अच्छे टीचर्स दे सकते हैं, डांट लगा सकते हैं, बट अगर आप में जुनून नहीं है, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जयेश, अपने इस जर्नी के दौरान जो हमारे साथ तुम 6-7 महीने, इसमें अपनी फेलियर्स के बारे, सक्सेस तो मैं बताऊंगा, फेलियर्स के बारे, कहाँ कहाँ फेल हुए? फेब्रेज में सर 2 बार फेल हुआ, एक में तो बिल्कुल लास्ट में इंटरव्यू क्लियर हुआ, रिटर्न, मेडिकल, सीट बुक, पेमेंट सब कुछ कर दिया, लेकिन एट लास्ट फाइनल मेरी लिस्ट में आउट हो गया सर, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था मैं। कौन सी कंपनी में? ग्रेट ईस्टर्न में सर। अच्छा, तो मैं तो एकदम दिमाग खराब हो गया था सर, करना क्या है, फिर मैं बोला सर साहब आपसे बोला कि न्यू गोवा जाना है। फिर दूसरी कंपनी कौन सी थी अप्लाई करा था? एंग्लो ईस्टर्न थी। एंग्लो ईस्टर्न में ही फेल हो गए तुम? पहले दिन एंग्लो ईस्टर्न में फेल हुआ सर, फिर दूसरे दिन ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू था, पहले दिन डिमोटिवेट हो गया था बिल्कुल, फिर आपसे बात की, फिर आपने समझाया, फिर दूसरे दिन इंटरव्यू हुआ, अच्छा गया था, क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद पेमेंट की, मेडिकल, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो गया था उस टाइम सर, बिल्कुल दिमाग। दैट वाज ऑन बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यस सर। भाई 12वीं यार तू हमारे साथ नहीं था जेएमडी एकेडमी के साथ, अगर होता तो जय माता दी थी, IIMCET होता जैसे अब होगा, तो मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से तुमने मेहनत करी है तुम एक बहुत अच्छी रैंक लेकर आओगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि दैट वाज नॉट इन आवर हैंड्स। एंग्लो में तुम फेल हुए, ग्रेट ईस्टर्न में तुम फेल हुए, लास्ट मोमेंट पे आउट हुए तो बहुत हताश हुए। फिर उसके बाद इस बच्चे के जीवन में एक दिन फोन आता है, सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ये मिलिए, तो मुझे कहते हैं सर हम सोच रहे हैं हम न्यू गोवा ज्वाइन कर लें। मतलब ये भी अपना आप थोड़ी देर के हिचकिचाके सपना तोड़ के बैठ गया कि अब मैं भी ऑफिसर तो नहीं बन सकता, शायद मेरे अंदर वो कैलिबर नहीं है, राइट, शायद मेरे अंदर वो कैलिबर नहीं है, और मैं सर अब जीपी रेटिंग करूँगा। मेरी इसके पिताजी से बात हुई, मैंने बोला ये मेरी जिम्मेदारी है, जब आपने इतना भरोसा करा 6 महीने और भरोसा कीजिए, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दीजिए, और ये बच्चा, अगर इस बच्चे ने सपना देखा है तो दिक्कत ये होगी कि इस प्रणीत मेहता ने यहाँ बैठ के भी 7वें सपना देख लिया है कि ये बच्चा अपने गांव का पहला मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा, और मैं अपना सपना नहीं टूटने देना चाहता। तो प्लीज इस बच्चे को यहीं रखिए और मेरे पे भरोसा रखिए, ये बच्चा अपने गांव का पहला मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा, और ये जरूर बनेगा। BSc नॉटिकल साइंस में इसका तुलानी में हो चुका है, और भी अभी कुछ कंपनीज के इसके एग्जाम बचे हुए हैं, IIMCET 100% निकालेगा, ये मेरा दावा है, और जब ये होगा वापस से वीडियो बनेगा, ये भी मेरा दावा है। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हो, सपने देखिए, देखना बहुत जरूरी, लेकिन सोते हुए नहीं, जागते हुए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि सपने देखने के अलावा उसके पीछे
मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर ये बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो कोई प्रणीत मेहता, कोई जेएमडी एकेडमी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लगे रहिए। पहले दिन ही आया क्लास के अंदर, देखा हिंदी मीडियम का हूँ, सारे अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, गिवअप कर देते हैं बच्चे। नहीं मारा गिवअप, लगा रहा 6 महीने 7 महीने लगा रहा। और आज अगर आप इससे बात करेंगे तो ये किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का इंटरव्यू निकालने का दम रखता है, ये मेरा भरोसा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी कभी आपको कोई बोले कि तू नहीं कर सकता, ये तेरे से नहीं होगा, अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत लाइए। बहुत लोग, जब भी मैंने कोई चीज स्टार्ट करी, मुझे लोगों ने बोला भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो तू नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता, ऐसा पहले नहीं हुआ है। प्लीज अपने ऊपर भरोसा रखिए और लगे रहिए। थैंक यू जयेश फॉर बिलीविंग इन जेएमडी एकेडमी, एंड आई श्योर यू विल नॉट लेट यू डाउन, एंड यू विल बी द फर्स्ट मर्चेंट नेवी ऑफिसर फ्रॉम योर विलेज, एंड यू विल मेक अस प्राउड, एंड यू विल बिकम अ फैबुलस मर्चेंट नेवी ऑफिसर वन डे। ऑल आई वॉन्ट टू सी, जेएमडी एकेडमी का उद्देश्य कभी भी सिर्फ आईएमयू सीट और स्पॉन्सरशिप नहीं रहा है। It has always to create a brand, to create an identity, to create a legacy and build great merchant navy officers for this Indian seafaring marine community. Because we believe in building attitudes over aptitude. Thank you very much. Jai Mata Di.